इस वीडियो में हम आपको YouTube स्टूडियो के पसंद के मुताबिक बनाए पेज के नए वर्जन के बारे में बताएंगे। इस पेज की मदद से आप चैनल के होम पेज के लेआउट, ब्रांडिंग से जुड़ी जानकारी और सामान्य जानकारी को बदलने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। इस टैब से आप यह चुन और मैनेज कर सकते हैं कि आपके चैनल पर आने वाले दर्शक क्या देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो स्पॉटलाइट जोड़ सकते हैं। यह मुख्य वीडियो है जिसे आपके चैनल पर आने वाले कोई भी व्यक्ति देख सकता है। साथ ही आप एक दूसरा वीडियो भी दिखा सकते हैं, भले ही आपके दर्शक के पास इसकी सदस्यता है या नहीं। आप ऐसे दर्शकों के लिए चैनल का ट्रेलर जोड़ सकते हैं जिन्होंने आपके चैनल की सदस्यता नहीं ली है। चैनल का ट्रेलर कोई छोटा वीडियो हो सकता है जो उन चीजों को हाईलाइट किया जाता है जो आप बनाते हैं और दर्शकों को आपके चैनल पर क्या देखने को मिलेगा, और साथ ही दर्शकों को चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। चैनल पर वापस आने वाले सदस्यों के लिए आप कोई चुनिंदा वीडियो जोड़ सकते हैं। आप तीन बूंदी वाली मेन्यू पर क्लिक करें। इन वीडियो को कभी भी बदल या हटा जा सकता है। आगे आप चुनिंदा सेक्शन को जोड़ सकते हैं। चुनिंदा सेक्शन की मदद से आप दर्शकों को उनकी पसंद की चीजों दिखा सकते हैं जब वे आपके चैनल के होम पेज पर जाए। ये वीडियो और प्लेलिस्ट से बने होते हैं और वे आपके चैनल के कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए और बेहतर ढंग से दिखाने में आपकी सहायता करते हैं। सेक्शन जोड़ने के लिए सेक्शन जोड़े पर क्लिक करें। वह वीडियो, प्लेलिस्ट या चैनल चुनें जिसे आप दिखाना चाहते हैं। जब आप सूची से वीडियो चुनेंगे, उसमें आपकी पसंद के वीडियो अपने आप आ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अपलोड किए गए वीडियो में कोई भी नया वीडियो अपने आप जुड़ जाएगा जिसे आप अपने चैनल में सभी के लिए अपलोड किया है। लोकप्रिय वीडियो में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आपके टॉप 12 वीडियोस अपने आप दिखने लगेंगे। प्लेलिस्ट, उन प्लेलिस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं जिन्हें आपने या किसी दूसरे क्रिएटर पहले से तैयार कर चुके हैं। सिंगल प्लेलिस्ट उन वीडियो का कैरोसेल दिखाएगा जिसे आपने प्लेलिस्ट में जोड़ा है। यह सबसे पहले वह वीडियो दिखेगा जिसे हाल में जोड़ा गया है, और कई प्लेलिस्ट से आप एक सेक्शन में अलग अलग प्लेलिस्ट जोड़ सकेंगे। साथ ही इसमें सेक्शन टाइटल भी जोड़ सकेंगे। आखिर में चैनल आपको अपने दूसरे चैनल, अपने सहयोगी या कोई अन्य पसंदीदा चैनल को देखने की सुविधा देता है। अब ब्रांडिंग टैब के बारे में जानते हैं। इस टैब में आप अलग अलग ब्रांडिंग एलिमेंट्स जोड़ सकेंगे जो आपके चैनल को सबसे अलग बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे दर्शकों को भी पता चलता है कि आपके चैनल की सदस्यता लेने पर उन्हें क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल फोटो जोड़ना है। YouTube पर जहां आपका चैनल नजर आएगा वहां आपकी प्रोफाइल फोटो दिखेगी, जैसे कि वीडियो और कमेंट्स के बगल में और दर्शकों के खोज नतीजे में। इसके बाद आप चैनल बैनर इमेज जोड़ सकते हैं। यह आपके चैनल के सबसे ऊपर दिखता है जिससे दर्शकों को आपके चैनल और उसके कंटेंट की विजुअल जानकारी मिलती है। सबसे बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए इमेज आकार आवश्यकताओं का पालन करना ध्यान रखिए। आखिर में अगर आप कोई वीडियो वाटरमार्क जोड़ते हैं तो यह वीडियो प्लेयर के निचले दाएं कोने में मौजूद आपके वीडियो में दिखेगा। दर्शक इसका इस्तेमाल आपके चैनल की सदस्यता लेने में कर सकते हैं। वाटरमार्क वीडियो देखने के दौरान सबसे आखिर में, चुने गए समय या पूरे वीडियो के दौरान दिखेगा। अब हम सामान्य जानकारी टैब पर आते हैं। इस टैब की मदद से आप अपने चैनल का नाम बदल सकते हैं, चैनल की जानकारी जोड़ सकते हैं, दूसरी भाषाओं में अपने चैनल के नाम और जानकारी का अनुवाद जोड़ सकते हैं, उन साइट के लिंक जोड़ें जिन्हें आपके दर्शक के साथ शेयर करना चाहते हैं, संपर्क की जानकारी जोड़ें जिससे कि लोग कारोबार की जानकारी पाने के लिए आपको ईमेल कर सके। इनमें से किसी भी टैब में बदलाव करने के बाद इसे अपने चैनल पर लाइव करने के लिए प्रकाशित करें पर क्लिक करें। YouTube स्टूडियो को इस्तेमाल करने का तरीका जानने के लिए यह प्लेलिस्ट देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।